सो रहे हो? जग रहे हो? जग रहे। हाय कर लो सबसे। नहा के बैठे हो क्या? फ्रेंड्स आज इसे स्कूल से भगा दिया। यहाँ से मैं गया था 7:35। हाँ। और मैं आ गया 8:30। ये बताओ तो मैं भगाया क्यों आज? हम लोगों को फील्ड ट्रिप में जाना था गोराई बीच। लीक कंसेंट फॉर्म आया था जो मैंने फिल नहीं किया था और मैं डायरेक्ट स्कूल चला गया था, तो इस वजह से उनका बेटा तुम जाओ। हाय फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम, खुशामदी सबक जहां में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करती हूं कि आप सब ठीक होंगे और आप सबकी दुआओं की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब एकदम ठीक है। फ्रेंड्स टैप्स वाले का फोन आया था कि आपके नल जो है वो एकदम आ चुके हैं, सारी चीजें आ चुकी हैं, तो आके ले जाओ। लौकी अम्मी, एक दिन परवल एक दिन लौकी, तो अच्छी होती है सब्जी। अच्छे लग रहे हैं। इसने कल से पूरे खा के अम्मी जितने थे पूरे खत्म कर दिए। नहीं मैंने एक खाया को भी मैंने एक खिलाया। अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। सालों घर पे बना है। टूट गए? नहीं बन रहे ऐसे तो करके आज बोला था ऑफिस खुला है। चलो जल्दी पहले रुको, मुझे चेंज तो कर लेने दो। तो तुम ऐसे ही जाओगे? कपड़े चेंज कर लो। टाइम लगेगा मुझे। नहीं खाना रोटी ऊपर से मिल जाएंगी। रेहान पूरे स्कूल में हो गया कि रेहान को भगा दिया। रेहान को भगा दिया स्कूल से, तो क्या है? सब हो गए रेडी जाने के लिए और रिजा ने आज देखो मेरे वाले कपड़े पहने और उसमें बहुत क्यूट लग रहा है, तो मैंने उसको ही दे दिया। ये तुमने स्लीव्स इतनी ऊपर क्यों चढ़ा ली? वो ऐसे 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 आ रहा है इसलिए। अच्छी लग रही ना मम्मी? बहुत। मेरे सबसे पहले देख के बोले मेरे आज कितनी अच्छी लग रही है। मम्मी अब आके खाएंगे, फिर लेट होगा। मम्मी आप उल्टा कुर्ता पहने हो। एक बनाना खा लेते हैं, अभी लंच का मन नहीं कर रहा। तुम भी बनाना खा? नहीं खाऊंगी। रिजा तो कुछ ज्यादा ही स्ट्रिक्ट डाइटिंग पे नहीं चली गई है। चलो मैं जा रही हूं। अल्लाह हाफिज़। भूल जा। खराब हो। एंट्री हुई है। अपने गेट खोला मैं डायरेक्ट आया। अपलोड हो गया? हाँ। फ्रेंड्स मेरा व्लॉग ना नीचे का, हम लोग का वाईफाई नहीं चल रहा है, पता नहीं क्यों, फिर ऊपर से करा है। इस वक्त बज रहा है 2:31 और हम लोग अभी निकल रहे हैं। कोशिश करिए कि जल्द से जल्द आ जाए। आज तुम आगे बैठोगे? नहीं नहीं नहीं, 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 नहीं। रेहान जब बैठता है तो सीट कितनी पीछे कर दे। ठीक है रिजा, सोर्स वाला सिस्टम। अरे बेल्ट लगाओ, गाने नहीं। रिजा तुम कितना अजीब बिहेव कर रही हो, क्या हंसने की बात है? सारे काम हो गया, बस अम्मी के यहाँ से फेवरेट फ्रूट सैलेड ले रहे हैं और रिजा बोल रही है अब मैं आगे नहीं बैठूंगी, आप ही बैठो। तो मैं अच्छा नहीं लगा? नहीं मुझे नहीं अच्छा लगता, गाने चेंज करने में इतनी प्रॉब्लम। सबके ऊपर इतना प्रेशर होता है कि कौन सा बजाए कौन सा नहीं बजाए। हम लोग अभी पहुंच गए लाइट की शॉप। फ्रेंड्स जो टीवी यूनिट है ना, जहाँ वॉलपेपर लगा है वहाँ पे लगाने के लिए इस तरह से एलईडी स्ट्रिप चाहिए थी, जो हमने ले ली है गोल्डन कलर में। और ये है इसका ड्राइवर। क्या कर रहे थे? बैठे थे पढ़ रहे थे नमाज पढ़ के। अभी डिनर का टाइम होने वाला है, अम्मी और मैं साथ में मिलकर कुकिंग कर रहे हैं। तो मैंने चिकन बना के रख दिया है, अभी 9 बज रहे हैं, हम लोग 9:30 तक खाना खाएंगे। रिजा रेहान का ट्यूशन हो गया, अभी वो थोड़ी देर सीरीज देख रहे हैं। अच्छा उनको ना वो पैकेज वैकेज मिल गए हैं जो भाई अभी के रूम में वो लोग ने रिचार्ज करा के रखे होंगे, तो वो लोग सीरीज ही देख रहे हैं। और वो जो देखते ना मुझे कुछ भी समझ नहीं आती है। परसों के दिन रात में उन्होंने मुझे इतने ऑप्शन दिखाए, मैं कहीं और दिखाओ और दिखाओ, पूरा खत्म हो गया, मुझे कुछ भी नहीं अच्छा लगा। अभी मैं पीऊंगी ग्रीन टी, रिलैक्स करूंगी, अपनी फेवरेट स्टोरी सुनूंगी। अम्मी अभी जब तक पापा के पास बैठी है। और फ्रेंड्स पता है मैं आपको ये बता रही हूँ कि शोज देखने से ज्यादा कहानी सुनना पसंद है। सुनना मुझे इतना ज्यादा, अगर कोई मुझे सुनाएगा भी तो पसंद है। हिस्ट्री के बारे में जानना पसंद है, लव स्टोरी सुनना पसंद है। वैसे ही मेरी आंखें इतनी मतलब कमजोर है और वैसे ही मोबाइल का काम होता है और उसके बाद फिर से सीरीज देखो तो और आंखें कमजोर हो जाएंगी। और स्टोरी सुनने के ना बहुत सारे फायदे हैं, आप अपना काम भी साथ साथ कर सकते हो। मतलब अगर आप वर्कआउट के लिए जा रहे हो, वॉक पे जा रहे हो, तो आपको एंगेज रखता है। आप कुकिंग कर रहे हो तो साथ साथ आपके काम भी हो जाएंगे, एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा। और सबसे अच्छी बात है कि आप फ्रीली इमेजिन कर सकते हो, आप जिस तरह चाहते हो, आपके माइंड के लिए भी बहुत अच्छा है। अभी कुछ दिन पहले फ्रेंड्स मुझे एक ऐप के बारे में पता चला, इसका नाम है कुकू FM। वहाँ पे आप अमेजिंग सी स्टोरी सुन सकते हो, मतलब बहुत ही अच्छी, और साथ साथ अपने काम भी कर सकते हो। आपको बता दूं अभी कुकू FM पे मैं जो स्टोरी सुन रही हूँ उसका नाम है अजब सा इश्क। मैं उसके 5 एपिसोड सुन चुकी हूँ, मैं 6th पे हूँ और बहुत मजा आ रहा है। फ्रेंड्स ये एक सिंपल सी लड़की काजल एक पावरफुल सा बिजनेसमैन अरमान की कहानी है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब वो लोग दोनों मिलते हैं पहली बार, तब पता चलता है कि पहले भी उनके बीच कोई हिस्ट्री रह चुकी है। मतलब सस्पेंस भी काफी है। आपको इसी तरह की कहानियां जैसे कि इश्क या जुनून, दिल बेचारा, वैम्पायर डिजायर्स, हर थीम हर जॉनर के हिसाब से जैसे कि हॉरर थ्रिलर रोमांटिक, हर तरह की कहानियां मिल जाएंगी आपको कुकू FM पर। तो फ्रेंड्स देर किस बात की है, आप भी डाउनलोड कीजिए कुकू FM। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करेंगे जो कि है सबा 50, तो आपको प्रीमियम पे 50% डिस्काउंट मिलेगा, मतलब
सिर्फ 199 रुपीज पूरे साल के लिए। मतलब आप सुन सकते हैं ढेर सारी कहानियाँ रोज 1 रुपए से भी कम में। हाँ, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना कि आपने कौन सी स्टोरी सुनना शुरू की और आपको कौन सी अच्छी लग रही है। मैं वेट करूंगी। तो यहाँ नीचे देख लिया। चलो अभी प्रोजेक्ट भी बनाना है। चिकन जो है वो रेडी हो चुका है और अम्मी पापा को ऊपर खाना खिला के आ गई है। पापा चिकन नहीं खाएंगे, पापा अपना कोई सब्जी खाई है उन्होंने। पापा ने खाया करेले कबाब। तो अभी हम चलते हैं और किचन से लेके आते हैं। अच्छा भाई से बात है? पापा से दिन भर बात नहीं कर पाए थे, अभी आया था काम से, तो फिर करी फिर मम्मी से बात। अच्छा भाई का वो शूट चल रहा है, उनका न्यू लुक भी अच्छा लग रहा है। रेहान के हाफिज जी पढ़ाने आने वाले, से रेहान जल्दी 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 अगर सब्जी बनी होती तो रेहान बोलता मैं हाफिज साहब की बात खाऊंगा। चिकन बना तो बोलता मैं जल्दी से दे दो, पहले मैं खा लूं। नहीं भूख लग रही है, कुछ नहीं खाया। वो वाली पॉलिथीन उठाओ, हमारी रोटी है। तुम्हें पता है आवा नहीं आया था, लाया था। नमाज पढ़ी, सलाम फेरा और हमें याद आई कि अरे आज तो बहुत मसाला है उसमें, और इसे हमारी रोटी कर ली। ये बनाया है जी हमने चिकन। रेहान कैसा है? बहुत टेस्टी है। हमें बताओ ना आज कौन सा चिकन बनाया? बनाया चिकन चंगेजी। अच्छा, चंगेजी खाते हैं। हाँ, चिकन चंगेजी बनाया था। बहुत सारी 2-3 तरह की रेसिपी देखी है, कुछ चीजें नहीं थी मेरे पास तो जो जो था वो डाल दिया है। अभी ये लोग इसको तो बहुत अच्छा लगा है। अम्मी आपको कैसा लगा है? बहुत अच्छा, सच में बहुत अच्छा। परफेक्ट, बिल्कुल। अब थोड़ा देर यही बनाना, यही बनाएंगे। हाँ, कभी एक एक चीज खा के बोर हो जाते है ना। कैसे लगे सबको बताओ? लेट वॉक का टाइम मिला था तो मैं अभी रात में ही चली गई थी और अम्मी लोग अभी देख रही हैं व्लॉग, क्योंकि नीचे नहीं चल रहा है नेट हमारा। बहुत ज्यादा गर्मी है फ्रेंड्स। E2 का प्रोजेक्ट जो है वो रेडी हो गया। गुड रेहान। पता नहीं फ्रेंड्स ये मेरे कैसे लग गए और मैंने उस पर बैंडेड लगा दिया था। मेरी फिंगर देखो। गुड मॉर्निंग। तो अभी नेक्स्ट डे हो गया है, यहाँ पे बन रही है मेरी चाय। रिजल्ट स्कूल गए हुए हैं, अम्मी शायद नहा रही है या फिर कोई उनसे मिलने आए। अम्मी आपके चाय मसाले वाली चाय पी के आज मुझे मजा आ गया, मैं बहुत सारा काम कर दूंगी आज। अच्छा है ना मसाला? आपने बहुत ज्यादा डाल दी, हम लोग को थोड़ा कड़वा पसंद है तो सबको ये बताना कि वो थोड़ा कम डाले। लड़कियों तो बहुत पिएंगी। अच्छा, पिएंगी। लड़कों को नहीं पसंद आता कड़वा? हाँ, कम पसंद है। जो मेरी जैसी होंगी ना सबको, मतलब जो एक बार पिएगा फिर सादी चाय कभी नहीं पी पाएंगे ना बाहर का मसाला। अच्छे से एडवर्टाइज करती अपनी चीजों का कि अम्मी आपकी दुकान होती तो आप बहुत बेच लेती, कह रही एक बार पिएंगे तो बाहर का ही नहीं पसंद कर पाएंगे। आपको पता है कहाँ के चावल है? ये है भोपाल के बिरयानी के चावल। रात का जो चिकन है वो बच गया था तो सोच रहे हैं इसको बिरयानी बना देते। अभी 2 बजे तक मुझे जाना है रिजरियान को स्कूल लेने। मेरे पास आधा घंटा है, आधे घंटे में मुझे ये सारी चीजें रेडी करनी है। अभी मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल रही हूँ। चिकन बिरयानी के हिसाब से ठीक नहीं क्योंकि इसमें थोड़ा सा काजू भी पड़ा था, थोड़ा थिक हो सकता है, लेकिन हम इसमें डाल देंगे बिरयानी मसाला, थोड़ा सा नमक क्योंकि बिरयानी वाले मसाले का नमक ज्यादा होता है। जख्मों पे नमक छिड़कना तो ऐसे ही कहावत है, जख्मों पे नींबू भी छिड़क जाए तो बहुत पेन होता है, ज्यादा ही जल रहा है। और आपको एक चीज दिखाती हूँ, पहले मम्मी पापा जब भी बर्तन लेते थे ना तो ऐसे उसमें नाम प्रिंट कराते थे भाई का, तो इसमें लिखा है शानू 18 जून 2017 या 12। आपको हर बर्तन में भाई का नाम दिखेगा, मेरा क्यों नहीं लिखवाया, पूछूंगी अम्मी से। तो मसाला मैंने वापस से पैक करके रख दिया क्योंकि मेरे पास सिर्फ ऐसे 2 ही पैकेट है और मैंने खोना नहीं चाहती। कपड़े चेंज कर लिए फ्रेंड्स, अभी जल्दी जल्दी मैं जो दिखा वो पहन लिया। भोपाल वाले बिरयानी के चावल यूज कर रहे हैं क्योंकि मुझे हमेशा ये शिकायत रहती है कि मुंबई वाले टूट जाते हैं, तो जैसे दूध का दूध पानी का पानी होता है ना, ऐसे आज चावल का चावल पानी का पानी हो जाएगा। कि चावल में प्रॉब्लम है या पानी में प्रॉब्लम है या बनाने में प्रॉब्लम है? देखिए फ्रेंड्स, पॉट मेकिंग कॉम्पिटिशन में रिजा ने ये बनाया था और पूरे स्कूल के बीच में से रखा और उसको उसके लिए फर्स्ट प्राइज भी मिला था। तब लोग स्कूल से आ गए और इसका शूज नहीं मिले, उसे सैटरडे को मिलेंगे। नई चप्पल ने काट लिया मुझे, देख स्केचर्स नहीं है, क्रॉक्स है क्रॉक्स। गर्मी से बेहाल मोहम्मद रेहानुद्दीन और चप्पल से परेशान हो चुकी हूँ मैं, क्या करूँ? अरे हुआ कि मैं भूख निकाल रहा था और जैसे रखा था और मैं गिर गया। आवा बताएगी बेटा तुम्हें, आवा से पहले कर देंगे हम लोग, जल्दी करो, पता नहीं चलना चाहिए, सुराग नहीं छूटना चाहिए। कह रहे आवा वरना खाना नहीं देगी। सब्जी बनाई होगी वेट हो जाएगी यार। तो जो टैप्स थे सारे वो सब आ चुके हैं फ्रेंड्स। तो प्लम्बर भाई अभी आए हैं तो उनको मुझे बताने जाना है कि कौन से वॉशरूम में कौन सा लगाना है। फ्रेंड्स, बिना चप्पल पहन के नंगे पैर जा रही हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा पेन है, अभी नहीं चप्पल पहनी जाएगी। बोल दीजिए। हाँ ये इधर ही है। उस काजोले से
फुटा हुआ नहीं रखते, जो नहीं रहेगा तो उसका ऑर्डर दे देंगे। वैसे तो वो कह रहे थे कि डाला है का है ना, मतलब ऊपर ऊपर के कॉर्नर्स ने लगाते हुए जोर से मार दिया होगा तो इतने इतने हैं, देखने में इतना पता नहीं चल रहा। लेकिन संतोष भैया कह रहा है टूटा हुआ कांच नहीं रखते, चटका नहीं है, ऊपर के जो कॉर्नर होते हैं ना, जैसे ये बॉर्डर होता है, बॉर्डर में हल्का हल्का सा दिख रहा है, ऐसे ध्यान से कोई देखेगा इतना ऊपर तो दिखेगा। लेकिन संतोष भैया कह रहा है कांच नहीं रखते, अब इसे कटवाओ, अब वो करा के देगा या नहीं देगा मुझे नहीं पता। अभी अभी ठीक है, अभी मैं रह तो नहीं रही ना, और नल में भी दो पाइप अभी नहीं आए हैं, और कुछ कुछ चीजें और नहीं भेजी है। अब कुछ प्लम्बर भैया ने पहले नहीं बताया, अब कुछ प्लम्बर भैया अभी बता रहे हैं। संतोष भैया कह रहे मैं लेके आ जाता हूँ, मैं सोच रही मैं चली जाती हूँ जमीर भाई को नाप भी दे आऊंगी। क्यों ट्यूशन नहीं है? तुम कल गई तो मैं पूरे नहीं चेक करे थे वहाँ पे, उन्होंने कहा सब डाल दी, संतोष भाई ने बोला उन्होंने सब डाल दिया है, अब ये लोगों ने कुछ चीजें बाद में लिखवाई हैं। आज एक बात तो क्लियर हो गई कि जो भोपाल वाले जो बिरयानी के चावल होते हैं वो नहीं टूटते हमें, है ना। हम लोग हमेशा ये सोचते थे कि पानी में प्रॉब्लम है या क्या है, लेकिन आप ये देखो ये चावल को अभी, जबकि मुझे पता भी नहीं किस तरह बनाते हैं, लेकिन फिर उसके बाद भी नहीं टूटे। ये नारियल कहाँ से आया मम्मी? खदरिया तोड़ के ताजा लाइए, पानी देखो। हाँ खाएंगे, तोड़ेंगे कहते और आंगन में गिरा था। तो अलहमदुल्ला लंच हो गया फ्रेंड्स। टीवी काफी दिन से चल नहीं रही है, मतलब टीवी तो चल रही है लेकिन केबल का कोई मसला है, तो उनको फोन किया है तो वो अभी आके ठीक करेंगे। और फ्रेंड्स अभी बताओ, सारे प्लम्बर भैया से सारी चीजें पूछ ली थी, दुकान वाले से भी सब पूछ लिया था, सारी चीजें ऑर्डर कर दी थी, अभी 5-6 चीजें कम है जिसकी वजह से फिटिंग्स वॉशरूम में हो ही नहीं पाएगी। किचन के लिए ठीक है, गोल वाला चाहिए, अब थोड़ा ये फैशन में आता है, ये वॉशिंग मशीन का ठीक भर गई पापा हवा, अब सही है। बास्केटबॉल मांगी थी, इतनी खुशी हुई थी, पापा मुझे बैठा के लेके गए थे बाइक में, बास्केटबॉल ली थी, वो भोपाल में ही कहीं रह गई होगी। फ्रेंड्स अभी हम लोग निकल चुके हैं, रेहान को यही पास वाली कोचिंग छोड़ेंगे, उसके बाद मुझे सीए के पास जाना है। अल्लाह हाफिज़ रेहान, टब दे दीजिए, थोड़ा गहरा वाला, ज्यादा बड़ा नहीं, ये भी छोटा है। ये वाले कैसे है? सही है, ऐसे ही चाहिए। 375 पिंक दे दो, और एक वो बैठने वाला भी पिंक है तो पिंक दे दो, छोटा है क्या? हाँ ये दे दो। वालेकुम अस्सलाम, मैंने जो मंगाया था वो ले लिया, आज मौसम कितना अच्छा हो रहा है फ्रेंड्स। आज लगता है बारिश आएगी फ्रेंड्स, मौसम देखिए। टीवी चल गए, नेट चल गया, नेट पे पैसे खत्म थे। हाँ हमने रिचार्ज किया, पता ही नहीं था, तुमने किया तो आपको क्या लगा कौन करेगा? भाई भाई ने हमको नंबर भेजा कि मैं यहाँ पे शूट में बिजी हूँ, फोन नहीं चल रहा है, तुम बात कर लो। फिर मैंने उनसे बात की, फिर उन्होंने बोला आपका रिचार्ज खत्म हो गया। चाहिए था और बस ये था, और ये साबुन, साबुन दानी मंगाई थी, साबुन दानी वो नहीं बताया आपने। अच्छा अभी रिजल्ट चल के ले रही, मधा के से मंगाया साबुन दानी तो लेके आई साबुन, आपने ये वाला कपड़े धोने के लिए किसी को रख लिया है, इसीलिए अम्मी ने ये सारी चीजें मंगाई है, क्योंकि अब अम्मी को बहुत सारा काम एक्स्ट्रा पड़ रहा है। सुबह बहुत काम होता है, 3 टंकियों पानी भरो, नाश्ता बनाओ, पहले वो बेटी खाला थी, नाजा खाला थी, अब कोई नहीं, तो मैं उनका कपड़े धुलवा लिया। अच्छा किया अम्मी, मौसम कितना अच्छा हो रहा है। अम्मी मैं आपसे नाराज हूँ। क्यों, किस बात पे? मेरे साथ ऐसा भेदभाव आपने क्यों किया? क्या बोलूं, हमें कुछ पता नहीं। नहीं आपने किया है, आप याद करो, आज मैं जब बर्तन से वो बना रही थी भगोना, जब मैंने देखा उसमें आपने भाई का नाम लिखा है, और सारे बर्तनों में जितने भी भगोने बर्तन है हम लोगों के पास, सब में लिखा, सब में क्या लिखा है? हाँ तो क्यों मेरे साथ ऐसा भेदभाव क्यों? मैं जानना चाहती हूँ, जनता जानना चाहती है। देख भेदभाव तो कभी ऐसे कुछ नहीं होता है, वो बड़ा था वही से, मतलब ऐसे दिल में यही था कि बस सानू लिख दो, लिख दिया सानू। जितने बार बर्तन वाले भैया पूछे थे क्या लिखा था, बोला सानू लिख दो, आज मैं बना रही थी सामने लिखा था, तो मैंने कहा मेरे साथ ऐसा भेदभाव कभी मेरा बना। सबसे बड़ी बात, जब बम्बई में आए थे सबसे पहले शुरू बहुत टाइम वैसा था,
तो बस एक खुशी होती थी कि सानू का नाम लिखवा दे। अरे ये पहले कभी है कुछ भी ऐसा? आपको हमारा नाम लिखवाना चाहिए था, किसी एक भगवान में उसका लिखवाओ तो एक में मेरा लिखवाओ। तो अच्छी चीज दे दूंगी ना, अच्छी चीज में नाम लिखवा दूंगी, सिल्वर में क्या लिखवा। और मैं पापा से भी पूछूंगी जाके। पापा से पूछना? हाँ, वो भी लिखवा देते खड़े होके। हाँ नहीं, वही बोलती थी सानू, दोनों तो खड़े रहते थे साथ में, वही बोलती थी सानू को लिख दो। रिजा बताओ तो, वो ऐसे लिखा है उससे? हाँ। पता नहीं क्यों लिखा, पहले बात तो लिखवाते ही क्यों थे? हमारा मेन मकसद की लड़की की शादी होती है। हाँ। सब भगवान दहेज सब देते तो मिल जाता, भाई को नहीं मिलता तो हम भाई का नाम सब लिखवाते। बड़ा अच्छा किया। हो गई अम्मी नमाज? अभी बारिश आ गई, नहीं आई? नहीं आई फ्रेंड्स, बारिश तुम अंदर आए बालकनी में आई, बारिश आ रही है। फिर तुमने देखो मुझे बच्चे भूखला है बस, कि अम्मी बारिश नहीं आ रही, और देखो एकदम बारिश आ रही। सुन ली, मुझे वीडियो एडिट करना, आप एंजॉय करो। ऊपर का मौसम देखो, वाह माशाल्लाह। चाय बारिश का मजा लेते हुए, और ये मेरी चाय। और फ्रेंड्स अब मैं सोच रही हूँ इस ब्लॉग को एंड कर दूँ, कि मुझे आज ही डालना है। मैं कुछ बोल रही हूँ ना, जा बेटी सुन लो, आज का मौसम बहुत अच्छा है, हम सालू चाय पी रहे हैं, तुम नहीं, तुम भी चाय पियो। वहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी है। नेक्स्ट वीडियो में पूछेंगे कि पापा ने मेरे साथ भेदभाव क्यों किया है, ठीक है? ये फैसला पापा करेंगे 9 बजे खाने में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे बढ़ाए। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। फ्रेंड्स घर थोड़ा खाली खाली है, लेकिन हम लोगों से जो भी ब्लॉग बन रहे हैं हम आपको दिखा रहे हैं, ताकि आपको भी अच्छा लगे और हम सबको भी अच्छा लगे। हम आपसे बहुत जल्द मिलेंगे कोई नए ब्लॉग के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। आई लव यू, बोलो आई लव यू। अल्लाह हाफिज़। ये ऐसे करो, सबको प्यार ऐसे मारो, मानना है आगे। अरे मारो जोर से। और फ्रेंड्स कुकू FM डाउनलोड करना मत भूलिएगा।